करते हैं लोकसभा चुनाव में दिलचस्प होते लखनऊ की लड़ाई की। यूपी की राजधानी में 30 अप्रैल को मतदान होना है और सभी उम्मीदवारों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। उत्तर प्रदेश में बनारस के बाद दूसरी सबसे अहम लड़ाई यूपी की राजधानी लखनऊ में लड़ी जा रही है। लखनऊ की यह लड़ाई अब बेहद दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। 30 अप्रैल को मतदान होना है और सभी उम्मीदवारों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। लखनऊ में इतना कड़ा और दिलचस्प मुकाबला शायद बीते दो दशकों में कभी नहीं देखा गया हो। लेकिन इस लड़ाई के तमाम योद्धाओं से हम आपकी आज मुलाकात करवाते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट के जरिए। चुनावी घमासान के बीच लखनऊ का पारा चढ़ता जा रहा है। आसमान से शोले बरस रहे हैं तो नेता अपने मुंह से आग उगल रहे हैं। लखनऊ की लड़ाई अब दिलचस्प मोड़ पर आकर पहुंच गई है। हर उम्मीदवार के पास अपने अपने दावे हैं और जनता से वो अपने अपने तरीके से वादे भी कर रहे हैं। आज का पूरा दिन हम लखनऊ की इसी लड़ाई का जायजा लेने निकले हैं और देखेंगे कि लखनऊ की इस लड़ाई में किस योद्धा के तरकश में कितने और कैसे कैसे तीर हैं। आमतौर पर शांत रहने वाला नवाबों का शहर लखनऊ अपने अदब, मुगलई खाने और ऐतिहासिक इमारतों के लिए मशहूर है। इस बार के लोकसभा चुनावों में बीजेपी के लिए बनारस के बाद सबसे दिलचस्प सियासी घमासान कहीं मचा है तो वो लखनऊ की है, जहां पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह के सामने देश की तमाम पार्टियों ने बड़े बड़े दिग्गजों को अपना उम्मीदवार बनाया है। इस बार जीत जिसे भी मिली, लेकिन इतिहास गवाह है कि नवाबों के शहर लखनऊ ने कभी स्टारडम को स्वीकार ही नहीं किया। नवाबों की इस सरजमी से राज बब्बर से लेकर नफीसा अली जैसे फिल्मी सितारे मुंह की खा चुके हैं। बहरहाल लखनऊ की फिजाओं में फिर से चुनावी शोर गूंज रहा है। लखनऊ को जीतने के लिए कुछ राज्य स्तर के तो कुछ राष्ट्रीय स्तर के नेता दौड़ लगा रहे हैं, तो कुछ सियासत में पहली बार हाथ आजमाने आए हैं। आपको लिए चलते हैं लखनऊ की लड़ाई के इस खुले मैदान में, जहां हर कोई अपने अपने दांव आजमा रहा है। लखनऊ में मचे चुनावी घमासान के बीच आज दिन की शुरुआत हम प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा की एक सभा से कर रहे हैं। अभिषेक मिश्रा जो समाजवादी पार्टी से लखनऊ से विधायक है, अखिलेश सरकार में मंत्री है और लखनऊ से ही समाजवादी पार्टी के टिकट पर लोकसभा के उम्मीदवार भी है। आज वो लखनऊ के क्रिश्चियन कॉलेज के एक सभागार में मुस्लिमों की एक सभा में शिरकत करने आए हैं। उनसे बात कर रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर उनके पास लखनऊ की लड़ाई में क्या मुद्दे हैं और किस तरीके से वो जनता के बीच अपनी नुमाइंदगी पेश करेंगे। सिर पर मुस्लिम टोपी, सामने मुस्लिम युवाओं की भीड़, मंच पर कुछ मौलानाओं का साथ और जीत का भरोसा, इन्हीं के बीच घूम रही है समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अभिषेक मिश्रा की चुनावी रणनीति। अभिषेक IIM में प्रोफेसर थे, नौकरी छोड़कर लखनऊ से सियासत शुरू की, समाजवादी पार्टी की लहर में पहले विधायक बने, फिर मंत्री और अब लोकसभा के उम्मीदवार। लेकिन अब हालात जुदा है। बीजेपी के मुताबिक मोदी की लहर है, लिहाजा मुस्लिमों को साधना पहली चुनौती है। देखिए कैसे भाषणों में उर्दू लफ्जों का इस्तेमाल करते हैं और कैसे शेर सुनाते हैं अभिषेक। आपका प्यार मांगता हूं, आप सबसे मैं आपका साथ और समर्थन मांगता हूं, आशीर्वाद मांगता हूं और इतनी इल्तिजा करता हूं कि हाथ उठाकर के दुआएं दे दें तो मैं निश्चित रूप से जीत के आऊंगा। मेरे सामने नरेंद्र मोदी खड़ा हो जाए तो ठोक जाऊंगा। ये वादे हैं लखनऊ को जो पूरे करके दूंगा। मेट्रो बनाएंगे, लखनऊ में बना के दूंगा। एक इंटरनेशनल लेवल का कैंसर इंस्टीट्यूट बनाएंगे, भगवान न करे किसी को, लेकिन इलाज के लिए हो तो अपने शहर में हो जाए, अपने देश में हो जाए, अपने प्रदेश में हो जाए, वो बना के देंगे। इंटरनेशनल क्रिकेटिंग स्टेडियम बनाएंगे, बना के दूंगा। इसके बाद हम पहुंचे बहुजन समाजवादी पार्टी उम्मीदवार नकुल दुबे की सभा में। नकुल जो मायावती के खास सतीश चंद्र मिश्र के भाई हैं,
पिछली विधानसभा में विधायक बने और फिर कैबिनेट में मंत्री भी रहे, लेकिन माया विरोधी लहर से सब कुछ गंवा बैठे और अब लोकसभा के लिए मैदान में हैं। इस वक्त हम आए हुए हैं नकुल दुबे जो बसपा के उम्मीदवार है उनकी एक छोटी सी सभा है, उसमें हम आए हुए हैं पुराने लखनऊ की। ये एक बहुत सकरी सी गली है, पांडेगंज गल्ला मंडी इसको बोलते हैं। ये देखेंगे कि बहुत छोटी सकरी सी गली है जहां पर कुछ मोहल्ले वालों को बुला करके एक छोटी सी मीटिंग की जा रही है और नकुल दुबे वो अपना पक्ष रख रहे हैं आम जनता के सामने और बता रहे हैं कि आखिर इस चुनाव में उनको वोट लखनऊ की जनता क्यों दे। तो इस जनसभा के बाद हम जानने की कोशिश करेंगे नकुल दुबे से कि आखिर वो किन मुद्दों के साथ लखनऊ की जनता के बीच आए हुए हैं। पुराने लखनऊ के पांडेगंज गल्ला मंडी की तंग गलियों में नकुल दुबे के पास गिनाने के लिए मायावती के काम है और चुनाव जीतने के लिए विरोधियों को बाहरी बताना, इन्हीं दो तीरों से वो विरोधियों का शिकार करने निकले हैं। अब कांशीराम शहरी आवास योजना ले लीजिए, आप क्यों नहीं किसी सरकार ने उन लोगों को जिन्होंने कभी अपने सर के ऊपर पक्की छत होने का सपना भी नहीं देखा था, आज पूरे प्रदेश को अगर हम ले लें तो लाखों की तादाद में और आपके इस लखनऊ शहर में हजारों की तादाद में पक्के मकान, दो कमरे के फ्लैट, लैट्रिन बाथरूम किचन सहित अगर किसी ने देने का काम किया आजादी के बाद तो पहली बार 2008-09 में बहन कुमारी मायावती ने दिया, बहुजन समाज पार्टी की सरकार। रीता बहुगुणा जोशी जी 2.5 साल से 2.25 साल से यहाँ पर विधायक है, उन्होंने कौन सा काम करा दिया? अभिषेक मिश्रा जी तो विधायक मंत्री थे, उन्होंने कौन सा काम करा दिया? क्या किसी की जनभावना को उन्होंने टच करने का काम किया? मैं विधायक रहा, मैं मिनिस्टर रहा लखनऊ में, आज आप पता लगा लीजिए कि सबसे ज्यादा सड़कें किसने बनवाई। दोपहर से शाम होने लगी, इसके बाद हम पहुँच गए आप पार्टी के उम्मीदवार जावेद जाफरी के चुनाव प्रचार में। जावेद जाफरी के अलावा कांग्रेस उम्मीदवार रीता बहुगुणा जोशी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह कैसे चुनाव प्रचार कर लखनऊ जीतने की जुगत में जुटे हैं, ये जानने के लिए देखते रहिए लखनऊ की लड़ाई पर हमारी ये खास पेशकश। मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, News 24। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के अलावा दो और पार्टी के उम्मीदवार लखनऊ की लड़ाई जीतने के लिए पसीना बहा रहे हैं और दोनों ही पार्टियां सबसे बड़े विरोधी दल के तौर पर एक दूसरे के आमने सामने हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस की, जिनके लिए कैसे आम आदमी पार्टी भी एक चुनौती बनी हुई है, देखिए। जितनी पार्टियां सब जालिम है, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू, आप समझ रहे हैं क्या होता है और ये जुल्म कर रहे हैं। बॉलीवुड से सियासत में एंट्री मारने वाले जावेद जाफरी भी आप पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर लखनऊ से ताल ठोक रहे हैं। फिल्म स्टार जावेद जाफरी लखनऊ की सड़कों पर दर्जनों सभाएं कर चुके हैं। सियासत में उनके इस रॉक एंड रोल पर लखनऊ कितना फिदा होता है ये तो नहीं पता, लेकिन सभाओं में ठीक ठाक भीड़ आ जाती है। जनाब तकरीर अच्छी करते हैं और साथ में 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर बनवाया गया शपथ पत्र लेकर चलते हैं कि वो बाहरी नहीं है और चुनाव जीतने के बाद कम से कम 6 महीने तक लखनऊ में ही रहेंगे। छोटी छोटी जनसभाओं, नुक्कड़ सभाओं और रोड शो के जरिए कम से कम 6 महीने तक लखनऊ में ही रहेंगे। छोटी जनसभाओं, नुक्कड़ सभाओं और रोड शो के जरिए सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर रात तक लखनऊ की लड़ाई का चुनाव प्रचार परवान चढ़ता है। इस वक्त हम जावेद जाफरी की एक सभा में मौजूद हैं, जहां पर एक नुक्कड़ सभा है, जहां पर सैकड़ों लोगों की भीड़ आई हुई है, लेकिन खास बात यह है कि जावेद जाफरी एक शपथ पत्र लेकर के जनता के बीच में आए हैं। ये वो शपथ पत्र है वो जनता को वो दे रहे हैं और इस बात का वादा कर रहे हैं कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो वापस मुंबई नहीं जाएंगे, कम से कम साल में 6 महीने वो लखनऊ में जरूर रहेंगे। मंच से तकरीर खत्म हुई तो हमने उनसे इस शपथ पत्र का सबब पूछा। अब आप भी सुनिए क्या तर्क है इस शपथ पत्र के पीछे, जिसकी फोटोकॉपी
वहाँ सभाओं में चुनावी पर्ची के तौर पर बांटी जाती है। मुझसे पूछा कि आप आए रहेंगे कि नहीं, अब मैं बोलूँ मैं कसम खाता हूँ, ये कसमें तो खोखली होती है जहाँ देखे आप। मैंने कहा चलो एक लीगल डॉक्यूमेंट है, जो भी उसकी वैल्यू है, लीगल डॉक्यूमेंट कि आप गिन देखेंगे, बोले इतना अटेंडेंस आपका था नहीं। आप गवर्नमेंट ऑफिस में अटेंडेंस नहीं होगा तो आपको फाइन होती है, सस्पेंड भी हो सकते हैं। भैया एक वैल्यू है, एक कानून का साथ लेके कहा कि मेरी ईमानदारी दिखाने के लिए कि मैं ये बोल रहा हूँ, लिख के दे दिया जो उसकी वैल्यू, और उससे बेहतर मैं क्या कर सकता हूँ। अब रुख कर लेते हैं कांग्रेस के कैंप का। रात हो गई लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार रीता बहुगुणा जोशी नहीं रुकी। सुबह से लेकर रात तक दर्जनों सभाएं, रोड शो और जनसंपर्क अभियान में जुटी रहने वाली रीता बहुगुणा जोशी शाम 7 बजे एक दलित बस्ती में पहुंची। केसरबाग मंडी की इस बस्ती में सब्जी के कारोबारी रहते हैं। रीता उनके बीच अपनी बात रखती हैं। जावेद चावड़ी के बाद अब हम आए हैं रीता बहुगुणा जोशी की एक छोटी सी सभा में। ये सभा केसरबाग मंडी में आयोजित की गई है, जो एक खास समुदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं, जिनके बीच में यहाँ पर रीता जोशी आई हुई है और यहाँ पर वो लोगों से बात कर रही है, उनसे अपनी जीत की अपील कर रही है। क्या मुद्दे है रीता जोशी के पास और कैसे वो लखनऊ की लड़ाई में अपना लड़ रही है, उनसे बात करेंगे इस जनसभा के बाद। रीता का गला उनका साथ नहीं दे रहा लेकिन दम लगाकर अपनी आवाज बुलंद करती हैं। पिछला चुनाव रीता महज 40,000 वोटों से हारी थी और बीजेपी के लालजी टंडन जीत गए थे, लेकिन महज 10 दिनों के प्रचार में लखनऊ के लोगों ने रीता की हार को जीत और इतने कम अंतर से टंडन की जीत को हार ही माना और कहा कि अटल की चिट्ठी न होती तो टंडन चुनाव हार जाते। वरल आवाज तो गले से पूरे दम से निकाली और हमसे अपनी जीत का दावा किया रीता जोशी ने। एक तरफ पैसा है, झूठ है, फरेब है, और दूसरी तरफ हमारी सच्चाई है और मेरी मेहनत है। मैं तो अपनी मेहनत से लड़ रही हूँ और अपनी सच्चाई लोगों के सामने रख रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लोगों का रिस्पॉन्स है और लखनऊ से जरूर कांग्रेस जीतेगी। और आखिर में रात 8 बजे हम निराला नगर पहुंचे। यहाँ बीजेपी उम्मीदवार राजनाथ सिंह की एक सभा तय थी। राजनाथ की सुबह से यहाँ पहली सभा थी। सभा 7 बजे होनी थी लेकिन राजनाथ 8:30 बजे आए। लखनऊ की लड़ाई आज के दिन अपने अंतिम दौर में पहुंच गई है। सबसे देर से जनसभाएं राजनाथ सिंह की शुरू होती है, उसकी वजह यह है कि राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और उनको दूसरे प्रदेशों में भी पार्टी के प्रचार के लिए जाना पड़ता है। निश्चित तौर पर बाकी तमाम जनसभाएं देखी, रैलियां देखी, सबसे ज्यादा भीड़ जरूर यहाँ पर नजर आ रही है और सबसे ज्यादा ग्लैमर भी राजनाथ सिंह की जनसभा में देखने को मिल रहा है। राजनाथ के पास कहने को कुछ खास नहीं, लिहाजा वो अपनी सभाओं में अटल जी के किस्से सुनाते हैं, मंच पर अटल की फोटो लगवाते हैं और खुद को अटल का करीबी बताकर चले जाते हैं। वो जानते हैं बेहद कड़े इस मुकाबले में उनकी सबसे मजबूत कड़ी अटल जी ही हैं। अटल जी सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, आज भी है। मैं अध्यक्ष हूँ, अपने दायित्व का निर्वाह करूंगा। मुद्दों का जहां तक सवाल है, मैंने अपनी जो मीटिंग हुई उसमें मैंने बतला दिया है कि चैलेंजेज बहुत सारे हैं यहां पर लखनऊ महानगर के सामने। एक कम्प्रिहेंसिव एक प्लान तैयार चेकआउट कराएंगे। दिन भर थका देने वाली इस लड़ाई में रात होते होते हर कोई पस्त हो जाता है, क्या उम्मीदवार, क्या कार्यकर्ता और क्या आयोजक। लेकिन सुबह होते ही फिर से सब तैयार होकर जंग के मैदान में उतर आते हैं। सियासत की बातें खूब होती हैं, बस नहीं होता है तो लखनऊ की बदहाली का जिक्र, उसकी खोती पहचान को बचाने का चर्चा, और कोई नहीं पूछता है कि इस हाल में कैसे पहुंच गया लखनऊ। मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज 24।